मुहूर्ताधा वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति, जो व्रत है पारण जो है वो द्वादशी में ही किया जाता है, प्रदोष की तिथि लगे उससे पहले कुछ न कुछ मुख में जाना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाता है। ये ग्यारस करने वाले लोगों सुन लो, हर एकादशी के पारण का जो टाइम है वो हम वीडियो भेजते हैं। यदि द्वादशी चली गई, पारण का टाइम चला गया तो व्रत अधूरा रह गया है। अब ये द्वादशी सुनो सुनो, ये द्वादशी वाली एकादशी करते थे, दूसरे दिन वाली, अब उसमें प्रदोष लगने वाला था, एक घड़ी बची थी बस द्वादशी, वो तो सबकी सब जाने वाली थी। तो ब्राह्मणों को वह कहने लगे कि मुहूर्ताधा वशिष्ठायाम द्वादश्याम पारणम प्रति, द्वादशी एक घड़ी बस बची है, चिंतियामास धर्मज्ञो दुजैस्त धर्म संकटे, मैं हे ब्राह्मण देवताओं में धर्म संकट में हूँ, क्या करूँ, मैंने साधु को न्योता दिया है, उनको बिना खिलाए मैं कुछ खा भी नहीं सकता और उतने में लग जाएगा फिर जाके प्रदोष, द्वादशी एक ही घड़ी बची है, अब क्या करें। तो जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दिया उन्होंने कहा, ब्राह्मणात कृपे दोषो द्वादश्याम यद पारणे यद कृत्ता साध मे भूआ धर्मवान मास प्रदित। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने यदि द्वादशी में पारण ना किया तो भी अपराध लग जाएगा और साधु को नहीं जमाया तो भी अपराध लग जाएगा, अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि इत्तप प्राज राजर्षि चिंतियन मनसा अच्युतम, हे राजा आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, प्राहुरभ्य भक्षणम विप्राशितम नास्तम चत अम्बसा केवले नाथे करसे व्रत पारण, आप अपने मुख में जल डाल लो, जल अन्न में भी आता है और अन्न में भी नहीं आता, तो आप हाथ में जल लेकर के आचमन कर लो, जिससे अतिथि का सत्कार भी बच जाएगा और आपका व्रत भी बच जाएगा। तो उसी समय राजा ने हाथ आगे लिया, तुलसी पत्र डाल करके उसमें उन्होंने तीन आचमन जल के कर लिए, ये होना चाहिए। तो ये उन्होंने डालिया, इधर में दुर्वासा यमुना कुलात कृता आवश्यक आगत, वो तो क्रोधी महात्मा था, लाल मिर्च नाक पे रखी किसी की सही, ये समझ लो वो तो नहा धो करके, वो तो बड़ा तपस्वी महात्मा है, उसने तो समाधि में ही देख लिया, अच्छा 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 राजा ने पारण कर लिया। तो राजाभिनंदस्तस्यः बुभुदे चेष्टतम दिया, तो सीधे दौड़ते दौड़ो क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे, आए मन्नुना प्रचलत गात्रो भ्रकुटी कुटल नाननहा भुवक्षित सा सुतराम कृतान जल में भासता। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे और ब्राह्मण भूखा हो तो सीधा शेर समझ लो, फिर भूखा ब्राह्मण उसके आगे मत पड़ जाना, हाँ इसके आगे तो तभी पड़े जब चकाचक नाक तक भरा हो, नाक तक भरा होगा तो सौ सौ आशीर्वाद एक संग, और यदि भूखा हो तो सीधा का सीधा शेर की तरह समझो उसे। अब भूखा ब्राह्मण महात्मा दुर्वासा कई दिनों से कुछ खाया नहीं, स्पष्ट इसमें लिखा है, उस समय दुर्वासा जी बहुत भारी भूखे थे और ये और उन्होंने समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है, तो क्रोध के मारे वो थर थर कांपने लगे, क्रोध में व्यक्ति थर थर कांपता है बेरिया की तरह, और भाव को चढ़ जाने से उनका मुंह भी विकराल दिखने लगा। तब उन्होंने राजा को डांट करके कहा, अमरीश को डांट के कहा, तस्पश्यता धर्मवित कर्मा विष्णु रक्त माने न, हमें बुला करके तूने हमारा अपमान किया और हमें बिना जिमाए और तूने पारण कर लिया, हे राजन मैं तुझे जला दूंगा। और उसी समय दुर्वासा जी ने जटा उखाड़ी और जैसे इसको यूं पटका तो उसी में से कृत्याम काल कोल साम, उसी समय एक वीर घातनी कृत्या को मारने की तैयारी, महात्मा की जटा से कृत्या प्रकट हो गई, कृत्या। अब कृत्या राजा को मारने को दौड़ी, अम्बरीश राजा को कृत्या मारने को दौड़ी। पहले के साधुओं में बड़ा क्रोध होता था लेकिन उनका क्रोध भी तपस्या के ही द्वारा था, वो श्राप और वरदान देने में बड़े सक्षम थे और उनका क्रोध निराधार होता नहीं था। इतना क्रोध कृत्या केस में से प्रकट हो गई
और कृत्या राजा को मारने के लिए जैसे ही चली तो उसे यज्ञ में भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी थी कि राजा का बॉडीगार्ड बन के रहना, कोई दिक्कत ना हो। सो सबसे पहले तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या का खेल तमाम कर दिया और अब सुदर्शन चक्र लग लिए बाबा जी के पीछे, दुर्वासा जी के पीछे। अब सुदर्शन चक्र को तो आज्ञा मिली है, वो ये थोड़ी देखेगा कि बाबा दुर्वासा है, उसको तो नारायण की आज्ञा का पालन करना है। कह दिया कि जो राजा के लिए बुरा सोचे उसका पीछा मन छोड़ना कैसे भी। सो पहले तो कृत्या का खेल तमाम किया, अब श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज इनके दुर्वासा जी के पीछे पीछे लग लिए। ददा कृत्यातम चक्र क्रुद्धा ये मम पावका, जैसे अग्नि का गोला पीछे चले सुदर्शन चक्र ऐसे पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा दुर्वे भीतु दिक्षु प्राण परिपिशा, और दुर्वासा जी भागे आगे आगे लेकिन बचने के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं है। लिखा है दिशो नबा क्षमा विवरान समुद्रा लोकान, अरे समुद्र में घुस गए दुर्वासा लेकिन आग का बबूले की तरह है तपता हुआ सुदर्शन चक्र वहां भी चला गया। आकाश में पहुंचे, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, भगत का अपमान करने वाला यदि तपस्वी महात्मा भी होगा तो भगवान के न्याय में उसके लिए भी कोई छूट नहीं होगी भैया, उसको भी दंड झेलना पड़ेगा। इसलिए भजनानंदी का कभी अपमान मत करें, कभी उसका अपमान न करें।